मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, टूट कर बिखर में जाता हूँ, जब हर रोज हारा थका खेत से हल चलाकर घर में जाता हूँ। मैं किसान हूँ, टूट कर बिखर में जाता हूँ, फिर भी अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा तक न दिला पाता हूँ। मैं किसान हूँ, टूट कर बिखर में जाता हूँ। मेरे देश हिंदुस्तान का हर नागरिक पेट भर खाना खा सके, इसलिए गर्मी सर्दी धूप छांव की परवाह ना करते हुए फिर भी फसल उगाता हूँ। मैं किसान हूँ, टूट कर बिखर में जाता हूँ। जब दो लोगों का खाना खाने के लिए छह लोगों का खाना बने, जब थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद सारा खाना फिक जाता है, तो उस मंजर को देखकर घबराकर डर में जाता हूँ। मैं किसान हूँ टूट कर बिखर में जाता हूँ। वही मेरे बच्चे हर रोज की तरह आस लगाए बैठे होते हैं वही मेरे बच्चे हर रोज की तरह आस लगाए बैठे होते हैं कि पिताजी आएंगे बाजार से कुछ खाने को लाएंगे, तो जैसे ही खेत से हल चलाकर घर खाली हाथ घर में जाता हूँ ना, बच्चों को देखकर जीते जी मर में जाता हूँ। मैं किसान हूँ, टूट कर बिखर में जाता हूँ। जब हर रोज साहूकार कर्ज मांगने घर आता है, इतनी मेहनत करने के बाद मैं साहूकार का कर्ज ना चुका पाता हूँ, मैं किसान हूँ, टूट कर बिखर में जाता हूँ। जब देश में हर रोज कर्ज के कारण कोई ना कोई किसान फांसी पर लटक जाता है, जब हर रोज देश में कर्ज के कारण कोई ना कोई किसान फांसी पर लटक जाता है, तो उस मंजर को देख कर ना घबरा कर डर में जाता हूँ। मैं किसान हूँ, टूट कर बिखर में जाता हूँ। जब आती होगी ना उसे मेरी याद, जो भी पास बैठा होगा उस पर चिल्लाती होगी, न जाने मुझसे मिलने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती होगी। फिर अचानक आता होगा कोई ख्याल और घबरा सी जाती होगी, अकेले कमरे में जाके रोने लग जाती होगी। जब आती होगी ना उसे मेरी याद, तो जो भी पास बैठा होगा उस पर चिल्लाती होगी मुझसे मिलने के लिए ना जाने क्या क्या तरीके अपनाती होगी। जब आती होगी मेरी याद, अकेले कमरे में जाकर रोने लग जाती होगी। मुझसे ना मिल पाना दिल को झंझोर सा जाता है, मुझसे मिलने के लिए अपनी सारी सहेलियों के पास बैठकर उनसे नए नए तरीके ढूंढवाती होगी। जब आती होगी ना उसे मेरी याद, तो जो भी पास बैठोगे उस पर चिल्लाती होगी। फिर मुझे YouTube पर सर्च करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला बटन दबाती होगी। जब आती होगी ना मेरी याद, तो जो भी पास बैठोगे उस पर चिल्लाती होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जाए कम से कम नेक्स्ट वीडियो में तो मुलाकात हो, इसलिए सब्सक्राइब करती होगी चैनल को, ठीक है। जब आती होगी ना उसे मेरी याद, तो जो भी पास बैठा होगा उस पर चिल्लाती होगी, ठीक है। लिखा था दोस्तों के लिए बचपन में, ऐ जिंदगी मुझे वापस दे दे वो हंसी पल जिन्हें मैं दोस्तों के साथ बिताया करता था। वो हर रोज सुबह घर से निकल जाना फिर शाम तक घर ना आया करता था। ना पैसे कमाने की चिंता हुआ करती थी ना खाने खाने की फिक्र। अरे वो तो हमारे मोहल्ले के लोग थे जिनमें अक्सर रहता था हमारा जिक्र, ऐ जिंदगी मुझे वापस दे दे वो हंसी पल। पर वो यारी सब कुछ लगती थी सारे जग से न्यारी लगती थी। धीरे धीरे एक दिन दौर वो आया जिंदगी में हमारी। हुए दोस्त अलग इस कदर फिर मिल ना पाए दुआरी, पर वो यारी सब कुछ लगती थी सारे जग से न्यारी लगती थी। ना आदमी पहचानने का हुनर था, ना सही गलत की पहचान। अरे वो तो हमारी यारी थी जिसे मानते थे हम अपना ईमान। पर वो यारी सब कुछ लगती थी सारे जग से न्यारी लगती थी। फिर दौर वो धीरे धीरे चेंज हो चला। समय के साथ साथ हमारे खेलों पर बैन हो चला। जो हुआ करते थे ना शौक हमारे फिर वही बने यादें हमारी। पर वो यारी सब कुछ लगती थी सारे जग से न्यारी लगती थी।